आज मैं लाई हूँ मेथी और चना दाल की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, आप एक बार खाएंगे तो बार बार जरूर बनाएंगे। रोज की सब्जी को अगर हल्का सा थोड़ा ट्विस्ट दिया जाए तो खाने में भी मजा आता है और इसका स्वाद तो मुंह में हमेशा ही रहेगा। तो ये रेसिपी पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी मेथी और चना दाल की रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप चना दाल। इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लें। आप चाहे तो चने की दाल को भिगो कर भी आप इसे पका सकते हो, नहीं तो अगर टाइम नहीं है जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि डायरेक्टली मैं इसे प्रेशर कुकर में पका रही हूँ। आधा कप चने की दाल में 2 कप पानी रखना है, थोड़ा सा नमक, हल्दी रखकर इसे 2 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर पका लें। हमारी चने की दाल पकने तक तो इसके आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल गरम किया है, उसमें मैं रखूंगी 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच राई। जीरा और राई काफी अच्छी तरह से पक गए हैं, अब चना का दाल यूज कर रहे हैं तो 1/2 छोटा चम्मच हींग रखना ना भूलें। हींग अच्छी तरह से पकने के बाद बारीक कटा हुआ प्याज रखें और इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक लो फ्लेम पर पका लें। देखिए प्याज यहाँ पे काफी अच्छी तरह से पक रहे हैं तो उसे बीच में यहाँ पे रख रही हूँ नमक। दाल में भी नमक रखा था तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे नमक और हल्दी ऐड कीजिएगा। नमक प्याज में रखने से प्याज काफी जल्दी ही पक जाती है, तो ये बात जरूर ध्यान रखें जब कभी भी आपको प्याज को जल्दी पकाना हो तो उसमें नमक पहले रखें। अब मैं यहाँ पे रख रही हूँ बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन जरूर रखेगा, इससे स्वाद काफी अच्छा आता है। देखिए प्याज काफी अच्छी तरह से लाल हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, अदरक और सूखी हुई लाल मिर्च का पेस्ट। मैंने पहले ही बनाकर रेडी कर लिया है। इसे पीस लेने से बहुत ही जल्दी पक जाती है और इसका कलर भी काफी अच्छा आता है। मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, आप चाहे तो तीखी लाल मिर्च भी ले सकते हो। अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च लेते हो तो उससे कलर काफी अच्छा आता है। आप कोई भी सब्जी बनाए उसके मसाले के ऊपर डिपेंड रहती है कि आपकी सब्जी की टेस्ट कैसी रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मसाला काफी अच्छी तरह से तेल छोड़ रहा है, यानी हमारा मसाला परफेक्टली रेडी हो गया है। अब मैं इसमें रखूंगी 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। जीरे और धनिया से स्वाद काफी अच्छा आता है और थोड़े से लाल मिर्च, आपको जितना तीखा पसंद है उसी हिसाब से आप लाल मिर्च पाउडर रख सकते हो और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया रखकर इसे और 1/2 मिनट तक लो फ्लेम पर इसी तरह से पका लें। मसाले काफी अच्छी तरह से पक गए हैं, अब मैं इसमें ऐड करूंगी बारीक कटा हुआ मेथी के पत्ते। मेथी के पत्ते पहले अच्छी तरह से साफ कर ले, धो ले और धोने के बाद ही इसे कट करें। अब इसे हम 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर मेथी के पत्ते पकने तक इसे पकाएंगे। इस रेसिपी में ज्यादा मसाले की जरूरत नहीं पड़ती है, हमने अभी खाली धनिया और जीरा पाउडर रखा है, लेकिन एक स्पेशल मसाला है जो हम लास्ट में ऐड करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि उस मसाले के बिना ये रेसिपी हल्की सी फीकी लगेगी। जब तक हमारे मेथी के पत्ते पक रहे हैं हमारे चना दाल भी पककर रेडी है, तो चलिए खोल के देखते हैं। देखिए कितने अच्छी तरह से पका है ये, मैं आपको दिखाती हूँ। हाथ से जब आप इसे मैश करोगे तो आसानी से मैश हो रहा है, यानी ये परफेक्टली पका है। मैंने इसमें 2 सीटी लगाए हैं और जितना पानी रखा था आप देख सकते हैं वो पानी ना ही ज्यादा हुआ है ना ही कम। मैं इसमें रख रही हूँ 1 सूखी लाल मिर्च, इससे टेस्ट काफी अच्छा आता है और हल्का सा तीखापन भी लाता है। मैंने पहले कश्मीरी लाल मिर्च पीसी थी जो कि बिल्कुल भी तीखी नहीं थी, बल्कि उससे कलर काफी अच्छा आया था। आप उसके जगह पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का भी यूज कर सकते हो। मेथी यहाँ पे अच्छे से पक गए हैं, आप देख सकते हो कि तेल छोड़ रहा है। मेथी अच्छे से पकने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे पका हुआ चने का दाल और आपको कंसिस्टेंसी जितनी चाहिए उसी हिसाब से आप पानी एडजस्ट करें, लेकिन ये जो रेसिपी है ये ज्यादा पतला नहीं, हल्का सा गाढ़ा ही बहुत टेस्टी लगता है। देखिए बहुत गाढ़ा लग रहा है तो मैंने यहाँ पे रखा है 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी रखने के बाद इसे अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट तक उबाल लें। अब
इस स्टेज पे मैं रखूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया रखने के बाद हरे धनिया के फ्लेवर पूरी तरह से इस रेसिपी में आ जाए, इसलिए इसे और एक मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छी तरह से उबलने दें। अब इसका स्वाद बढ़ाने के लिए सबसे लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। आपके घर पे जो भी मसाला आप यूज़ करते हो खाने में, आप वो मसाला इसमें ऐड कर सकते हो। और इसे हमेशा लास्ट में ही रखें, क्योंकि इसका टेस्ट जब आप लास्ट में रखते हो तो बहुत ही अच्छा आता है। हमारी रेसिपी पककर रेडी हो गई है और आप देख सकते हो कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट है। इसे आप दाल के साथ, चावल के साथ, खिचड़ी के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी आप इसे सर्व करो, ये बहुत ही यम्मी लगती है।